दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में ना दोस्तों आप लोगों को किस तरह से बिठाया गया जो शटरिंग रहता, देखो स्पेशली ये आरसीसी वाला शटरिंग, ओके, और लिंटल छज्जा कहाँ पे है, स्टेयरकेस टॉप व्यू से आपको दिखाऊंगा। बने रहे वीडियो में पूरा अंत तक। एंड अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर मिलते रहेगा। लेट्स सी। एंड इधर जो कंसिस्ट करता है एक हॉल, कॉमन बेडरूम है, किचन, टॉयलेट एंड बाथ, 1 BHK पोर्शन है, डुप्लेक्स घर है। ये पीछे की तरफ का स्टेयरकेस इस तरह से आ रहा है और कहाँ पे छज्जा है, छज्जे के अंदर को रॉड साइज डिटेल्स बताऊंगा। बने रहे वीडियो में। सो प्लान आपको दिखाऊंगा बाद में, बिकॉज हर एक वीडियो में मैं दिखाया हूँ प्लान। अभी मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, फर्स्ट वहाँ से देख लीजिएगा किस तरह से आया बोल के। ये स्टेयरकेस है, जिगजैग वाला स्टेयरकेस, और इसके बाद हम नेक्स्ट आपको टॉप व्यू से दिखाता हूँ। ये वाला आ रहा है, एल शेप में किचन आ रहा है स्लैब। सो एक्चुअली क्या है, टोटल आया हमारा 8 फीट तक। यहाँ से जो है ना हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस होने के बाद नेक्स्ट ये वाला हॉल आ रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पे एक विंडो, ये मीटर बॉक्स इधर से कवर हो जाएगा। ये हॉल के अंदर 6 बाय 6 फीट 6 इंच ऐसा विड्थ में है, हाइट में जो है 6 फीट है, और वो वाला छज्जा आ रहा है 3 इंच। बाहर की तरफ जो है 1 फीट लिया गया वो वाला छज्जा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला रॉड साइज डिटेल्स, स्पेशली जो लिंटल में रॉड्स रहते हैं। देखो इसमें 10 mm यूज़ किया है रॉड्स एंड बाइंडिंग सभी को। और ये जो यूज़ किया गया एट 9 इंच स्पेसिंग दिया गया है, स्पेसिंग जो है 9 इंच पे है, एंड 6 mm का रॉड इस्तेमाल हुआ है सभी में। इस तरह से देखिएगा आप। नेक्स्ट आता ये किचन एल शेप में लिया गया, स्पेशली हमको ज़्यादा स्टोरेज कहाँ पर ज़रूरत पड़ता है किचन में ही नेसेसरी है, तो उसकी वजह से इसको एल शेप में लिया गया। आप चाहे तो सिंगल में भी ले सकते हैं, बट स्टोर ज़्यादा रहने से आप एल में ले सकते हैं। ये पूजा रूम वास्तु के अनुसार इसमें खुला रहना बोल के खुला रखा गया। और एक जो है एक बाथरूम कवरअप हुआ है वहाँ पर, एक खुला रखा गया, वो वाला कॉमन बाथरूम है। ये वाला अटैच्ड बाथरूम इस पूरा स्लैब हाइट तक है, वो वाला जो है वहाँ पे कवरअप किया गया। और नेक्स्ट आता है ये वो एंड से लेके यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा स्पैन है, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो हम रॉड इस्तेमाल किए गए बॉटम में 3 टॉप में 2, यानी कि 10 mm का रॉड इस्तेमाल किया है। जैसा हम बीम में यूज़ करते हैं थिकनेस जो आता है 6 इंच। और ये देखिएगा हैवी वाला बार, यानी कि 10 mm बार नीचे लिया गया, 8 mm ऊपर लिया गया। अभी इसको कवरिंग दिया जाता है। नेक्स्ट छज्जा जो है ना दोस्तों, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार ही छज्जा लिया गया ये वाला, बट आप थोड़ा अच्छा वाला लकड़ी यूज़ कर लीजिएगा ताकि अभी ये पोर्स जो भी पोर्स है वो थोड़ा कवर कर लीजिए। एंड टाका अच्छा मार लीजिएगा जब आप करते, देखो इस तरह से नहीं रखना, ये डेंजरस, ये ऐसा चीज़ डेंजर रहता। सेम उसी तरह से वहाँ पे एक 9 इंच का छज्जा लिया गया है उधर, ये अभी बनाया जाएगा। नेक्स्ट ये पूरा काम होने के बाद नेक्स्ट ये वाला काम शुरू किया जाता है। ओके, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप घर बांधते हैं देखो ये वाला टाका कंपलसरी एक को एक कर लीजिएगा,
तभी आपको एक स्ट्रेंथ रहता, मोस्ट स्ट्रेंथ रहता। बट ठीक ठाक है, अगर इसके ऊपर आप वजन रखे समझो, ये ऊपर उठता, मतलब ये उठने नहीं देता, इधर इधर स्टॉप कर देता है। धन्यवाद।